युवाओं की संसद कोटा में एक ऐलान हो चुका है और चुनाव होने वाले युवाओं के गवर्नमेंट कॉलेज से विनयराज सिंह हमारे बीच में हैं जो साइंस कॉलेज से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कॉलेज से जितने भी विद्यार्थी चुनाव जीत कर आते हैं और एक अलग पहचान बनाते हैं, राजनीति में अपना कदम रखते हैं, विनयराज जी से पूछते हैं कि ऐसी क्या प्राथमिकताएँ उनकी रहेगी जो इस चुनाव में उनको जीत दिला सके। नमस्कार सर, मैं विनयराज सिंह राजकीय विज्ञान महाविद्यालय से इस बार प्रत्याशी हूँ। मेरी ये प्राथमिकताएं रहेगी, मैं एक छात्रों का सेवक हूँ, नए विजन के साथ और नई उनको दिशा के साथ मैं इस चुनाव में मैंने कदम रखा है। कदम ही नहीं, मैंने जो साल भर देखा है, मैं भी एक सामान्य विद्यार्थी था, बट मैंने जो देखा, मैंने जो सोचा कि साल भर छात्र नेता बन जाते हैं, उनका कॉलेज में आते नहीं है, छात्रों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने इस चीज़ में कदम रखा। साल भर मैंने नई नई गतिविधियां करवाई कॉलेज में, कोशिश करी स्टूडेंट्स के साथ, अगर प्रशासन ने नहीं करवाई, वो सरकार ने नहीं करवाई, तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वो कई एक्टिविटीज़ कॉलेज में करवाई हैं। जैसे कि हमारा एक कॉलेज एक साइंस का है और हम साइंस के विद्यार्थी हैं, तो हमारा सबसे पहला होता है हमारी लेबोरेटरीज अच्छी हों। अभी किसी छात्र नेता में ने कभी कभी किसी भी लेबोरेटरी में जाके नहीं देखा कि किस लैब में कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन से इक्विपमेंट वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट है किसी चीज़ का या नहीं है। तो मेरा विज़न ये है, मैं लैब में भी गया हूँ, मैंने प्रैक्टिकल्स भी करे हैं, तो मेरा विज़न ये है कि मैं उन लेबोरेटरीज़ को डेवलप कराऊँ। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी तो है, वहाँ पे बुक्स भी हैं, बट वहाँ तक बच्चा पहुँच नहीं पाता और अच्छी बुक नहीं आ पाती, तो मैं मेरी लाइब्रेरी को कोशिश करूँगा, प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा, और अगर वो लोग साथ नहीं देते हैं तो खुद छात्रों के साथ मिलकर हमारी लाइब्रेरी को एक अत्याधुनिक तौर पे पेश करना चाहूँगा और अत्याधुनिक बनवाना चाहूँगा। हमारी क्लासेस जो होती हैं वो सालों साल से पेंट नहीं हुई हैं, वहाँ पे बहुत एक अच्छा वातावरण, एक स्टूडेंट्स आता है स्कूल से, प्राइवेट स्कूलों से आते हैं, सब जगह से आते हैं, सरकारी, आजकल हर जगह अच्छा वातावरण हो चुका है, पेंटेड दीवार, तो बच्चा उस वातावरण से आता है और फिर वो कॉलेज में आना पसंद नहीं करता है क्योंकि इस तरह का वहाँ वातावरण रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ ये जो विवाद होते हैं कॉलेजों में, छात्र नेता लड़ते झगड़ते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्रॉपर क्लास लगवा के वहाँ पर प्रॉपर क्लास में फर्नीचर सही ढंग से हो और वहाँ पे दीवारें सारी पेंट हो, इस विजन के साथ मैं इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने आया हूँ। शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करने वाले हैं? जी, हमने अभी भी वर्तमान में मैं किसी पद पे नहीं था, मैं ना अध्यक्ष था ना कुछ था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी, बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी लगवाई हैं और हमने स्टूडेंट्स के बीच जाकर उन्हें, जैसे नए स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके बीच जाकर उन्हें समझाया है कि आप कैसे अपने आप को पेश कर सकते हैं, और हमने बाहर से भी एक जो पर्सनालिटी डेवलप के सेशंस लेते हैं उन लोगों को बाहर से भी बुलवाया ताकि पर्सनालिटी डेवलप कर सकें। हमारी सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, बस हमारा उद्देश्य होता है कि हम स्टूडेंट्स को उस चीज से परस्पर संवाद करवाएं स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट उस चीज के सामने आ सके कि हाँ ये चीज हो रही है, क्योंकि सरकार अपने मुद्दे निकाल देती है, सरकार तो सब चीज लागू कर देती है बट स्टूडेंट्स के पास वो चीज नहीं पहुंच पाती। तो एक छात्र नेता का काम ये होता है कि सरकार ने जो चीज लागू करी वो छात्रों तक पहुंचाए और छात्रों की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाए और उन्हें पूरा करे। खेल कूद के लिए क्या कर रहे हैं? खेल कूद के लिए हमने ये सोचा है, हमने नई नई टीम बनाएंगे, हम अभी भी मैंने छात्रों के बीच में जाकर उनसे उनके उनको समझाया है, उनसे पूछा है कि आपको किस खेल में रुचि है, तो उनको वहाँ से उनका छुपा हुआ जो टैलेंट रहता है वो छुप कर ही रह जाता है अगर वो चीज़ छात्रों तक नहीं पहुँचती है। तो मैंने कोशिश करी है कि वो चीज़ मैं छात्रों तक पहुँचाऊँ और छात्रों का एक नेतृत्व करके उनकी हर उनकी रुचि वाले क्षेत्र में ले जाके उनकी एक टीम बनाई है। अब हम कोशिश करेंगे उन टीम को प्रॉपर ट्रेन करवाने की और उनको ये कोशिश करेंगे कि वो नेशनल लेवल तक पहुँचे और इंटरनेशनल लेवल तक भी हमारे देश का नाम रोशन करें। सामाजिक क्षेत्र में क्या आप कदम रहेगा? जनरली देखा जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता नहीं रहती, तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी इसमें? जी, सामाजिक क्षेत्र के लिए सरकार ने भी बना रखी है, एक NSS ग्रुप बना रखा है, हर कॉलेज में होता है एक NSS ग्रुप जिसका नाम होता है राष्ट्रीय सेवा योजना। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत और एक होता है स्काउट, तो इन दोनों चीज़ों के अंतर्गत बच्चे छात्र यही काम करते हैं कि सेवा करते हैं। इसमें प्लांटेशन होता है, कच्ची बस्तियों में जाकर छात्रों की सेवा होती है, हमने इस वर्ष भी अलग अलग कच्ची बस्तियों में जाकर एरियाओं में जाकर छात्रों के साथ, हर त्यौहार हमने छात्रों के साथ मंगाया है, महाशिवरात्रि पे हमने छात्रों को दूध वितरित करा,
जो कच्ची बस्तियों में जाकर संक्रांति पर हमने पतंगे बांटी, दिवाली पर हमने फटाके वितरित करे। तो मैंने इसके में पूरी कोशिश करी है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो सामाजिक क्षेत्र में भी अपने आप को पेश करे और समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करें। ये सोच लोगों की बन चुकी है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे तो इन चीज़ों में नहीं पहुंच जाते, जैसा कि अभी सर आपने भी यही चीज़ कही कि गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे पूरी कि हम इस बात को नकार कर ये पेश करें एक अच्छी चीज़ कि गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र भी एक अच्छे सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। देखा जाता है कि जितने भी विद्यार्थी मोटरसाइकिल चलाते हैं बिना हेलमेट के चलाते हैं, तो क्या आप कैंपस में आपके जीतने के बाद बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल वालों को एंट्री नहीं देंगे? जी सर, हम इसके लिए सरकार से भी अपील करेंगे। और मेरा तो खुद यही है कि मैं अभी तक जब से मैंने कॉलेज किया, मैं कहीं पर भी जाता हूँ मेरे साथ मेरा हेलमेट प्रॉपर रहता है। हमेशा मैं हेलमेट लगा कर ही घर से निकलता हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ या कॉलेज कैंपस में भी जाता हूँ तो भी मैं हेलमेट लगा के जाता हूँ। जब एक छात्र अपने नेता को देखेगा कि वो खुद हेलमेट लगा के आ रहा है तो उसके अंदर खुद ये भावना उत्पन्न होगी कि हमारा नेता अगर ये चीज़ कर रहा है, हमने जिसको चुना है हमारे लिए वो कर रहा है, तो हम भी उसे करें। क्योंकि दबाव डालकर अगर हम किसी से कोई काम कराते हैं तो वो काम एक दिन या दो दिन हो सकता है, दबाव डालकर कभी कोई काम नहीं होता। काम स्वयं अब बच्चा अपने मन से ये चीज़ सोचेगा कि हाँ ये चीज़ हमारा नेता कर रहा है, हमारे साथ जो है इंसान वो कर रहा है, तो हमें भी इस चीज़ को करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है। आप अपने आप को नेता मानते हैं? मैं अपने आप को एक नेता नहीं, मैं अपने आप को एक छात्र सेवक के रूप में पेश करता हूँ और मैंने ये सिद्ध भी करा है पूरे साल छात्रों के बीच रहकर, छात्रों के सामने मेहनत कर कर। गवर्नमेंट कॉलेज से आप चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? जी सर, मैंने अभी जैसा ये बताया ही है आपको, मेरी प्राथमिकताएं जीतने के बाद यही रहेंगी। सबसे पहले हमारी क्लासेस में पेंट हो, हमारे टॉयलेट की सुविधा। राजनीतिक क्षेत्र में? सर राजनीति अभी मेरे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा, क्योंकि मैं ये लोगों की सोच बन चुकी है छात्र नेता यहाँ पे छात्रों के लिए। एक हमने ये नहीं लगाया कि हम नेता बन रहे हैं, हम बन रहे छात्र नेता। तो छात्र नेता छात्र के लिए बनता है ना कि नेतागिरी के लिए, नेतागिरी होती है। मेरा राजनीतिक आदर्श अभी तक तो मैंने किसी को माना नहीं, मेरे गुरुजन ही मेरे आदर्श हैं। हमने क्योंकि हम अभी कॉलेज में छात्रों के लीडर बन रहे हैं तो हमें छात्रों के लिए चुने जा रहे हैं। मेरे आदर्श मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे आदर्श मेरा कॉलेज प्रशासन है, हम मेरे गुरु हैं और मेरे माता पिता हैं। धन्यवाद, हमसे बात करें। धन्यवाद।